गैस स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे आज के सत्र में, तो कुछ कुछ पॉकेट्स थी। एनबीएफसी में काफी शानदार मूव था आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के बाद। उज्जीवन इक्विटास जैसे स्टॉक्स में 20% तक का मूव भी हमने आज आते हुए देखा। बैंक्स में इंडसइंड बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था आज के सत्र में। तो ये तो की हाईलाइट्स थी, लेकिन संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से लगातार खरीदारी हो रही है और आज ही वही रुझान दिखा है। अच्छी खासी बाइंग एफआईएस की ओर से हुई है, लगभग 4700 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने मुनाफा समेटा है 2944 करोड़ के आसपास का। तो एफआईएस की ओर से लगातार खरीदारी का ट्रेंड बना हुआ है, वही रुझान आज के सेशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इशू ट्विटर और फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप हमें वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्विक आउटलुक ले लेते हैं मानस का कल के सेशन के लिए। मानस गुड इवनिंग, पहले तो बताइए निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है पिछले 2 सेशन से, लेकिन आज भी पॉजिटिव बायस के साथ ही क्लोजिंग हुई है। कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी लेंगे या फिर कोई और व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए ट्रेंड की जहां तक बात है वो तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है, मार्केट का अंडरटोन पॉजिटिव लगता है और हर गिरावट पे खरीदारी देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि 12,700 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे निफ्टी ना फिसले आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है और ना ही आपको अपने लॉन्ग ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर एक ट्रेड लेना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो निफ्टी की तरफ, निफ्टी में लॉन्ग साइड पे रहेगा क्योंकि लोअर साइड पे देखिए तो 12,800 एक सपोर्ट दिखता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 1-2 दिनों में 13,000 के लेवल्स ब्रेक होंगे। तो 12,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, खरीदारी करिए, 13,100 के टारगेट सेट करिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार करिए, जब आपको 29,500 के ऊपर के लेवल दिखाई दे तभी आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। हालांकि अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन ऑलरेडी है तो आप बने रह सकते हैं 28,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, लेवल्स जो मानस ने बताया है उनको नोट कीजिए। चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर भार्गव हमारे साथ मौजूद भी हैं फोन लाइन पर मेहसाना से। भार्गव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हाजी मैम पूछिए। हेलो मैम, टाटा मोटर मैंने बाय किया है, 425 शेयर है, 132 रुपए पे बाय किया हुआ है। तो मैम अभी क्या मैं मानस प्रॉफिट्स में है इनकी पोजीशन, टाटा मोटर्स अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की थी टाटा मोटर्स में और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की रैली पिछले दिनों देखने को मिली शायद इस तरह का आउट परफॉर्मेंस अगर हम ऑटो स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पर अभी आउट परफॉर्मेंस और देखने को मिलेगा। 200 रुपए तक के लेवल्स पॉसिबल है, तो मेरी राय में टाटा मोटर्स को होल्ड करें और 155 का स्टॉप लॉस रखें। होल्ड कीजिए 155 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए इस पोजीशन में। राजबीर सिंह है हमारे साथ रोहतक से। राजबीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम आरसीएफ के 1700 शेयर हैं। नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। हेलो, 74 रुपए की आपकी बाइंग है आरसीएफ में? हाँ मैडम। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से, 46 के आसपास ये बंद हुआ है। मानस आरसीएफ पर क्या सजेशन रहेगा? ऊपर की बाइंग है इनके काफी और इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है, तो क्या करें? यहाँ पर थोड़ा एवरेज कर ले या फिर इसी पोजीशन को होल्ड करें या कोई और व्यू है? देखिए एक चीज तो क्लियर दिखती है चार्ट पे कि लोअर लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40 रुपए के आसपास बन गया है, तो 40 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना है इनकी जो पोजीशन है और इनको ऐड करनी है पोजीशन जब स्टॉक में ब्रेकआउट दिखे 49 रुपीज के ऊपर। अगर 49 के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर कम से कम 60 और 65 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो इनको लॉन्ग पोजीशन और बनानी है 49 रुपए के ऊपर, लेकिन बनी हुई पोजीशन में बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड कीजिए, 40 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए आरसीएफ में, ये सजेशन है। 40.50 पर इसकी हुई है क्लोजिंग। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए केकल शर्मा मौजूद है गुवाहाटी असम से। शर्मा जी नमस्कार, बताइए अपना स्टॉक। हाँ जी, मैं कोकिल शर्मा बात कर रहा हूँ गुवाहाटी से। मेरे पास रिको ऑटो खरीदा हुआ था, करीबन 6,500 शेयर खरीदा हुआ था 31 के भाव पे, तो लास्ट वीक डिविडेंड भी मिल गया था, तो इसको क्या करे, होल्ड करे कि निकल जाए यहाँ से? हालांकि 3 से 6 महीना होल्ड कर सकता हूँ मैं।
मानस 6 महीना तक रख सकते हैं, 31 की खरीदारी है, 32-45 पर यह बंद हुआ है, तो इनके भाव से तो ऊपर ही है, यानी मुनाफा इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड करें? देखिए, जैसे इन्होंने बताई कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, इसलिए जो मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था वो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 30 रुपए का था, लेकिन अगर ये 6 महीने तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से 27 रुपए एक परफेक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा और स्टॉक 45 रुपए के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो बने रहे, 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 27 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, यही सजेशन है। यशेश है हमारे साथ अहमदाबाद से। यशेश, गुड इवनिंग, बताइए अपना स्टॉक। स्टॉक है एक तो बायोकॉन 200 शेयर है, 464 में बाई किया है, और गार्डन रिसर्च शिपयार्ड 300 शेयर 206 में बाई किया है। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई डोंट माइंड इट। ठीक है मानस, बायोकॉन में तो नुकसान हो रहा है इनको, क्योंकि इन्होंने ऊपर लिया है, इसके हाईस के आसपास है, 420 पर ये बंद हुआ है आज, तो यहाँ इनकी पोजीशन नुकसान में है, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स 200 के ऊपर की खरीदारी है, 196 पर क्लोज हुआ है, तो दोनों पोजीशन में नुकसान है थोड़ा, क्या करें अभी? देखिए बायोकॉन में मैं सजेस्ट करूंगा कि 395 के स्टॉप लॉस से बने रहे, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पिछले एक मंथ में, लेकिन उससे पहले हमने एक बहुत अच्छी रैली भी देखी थी, तो बने रहना चाहिए, 395 का स्टॉप लॉस रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि 450 और 460 के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक इन्होंने जीआरएससी की बात की, राइट? देखिए जीआरएससी का जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन दिखाता है, लेकिन फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जाते हैं तो वहां पर काफी पॉजिटिव लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 3 से 6 महीने का समय होगा तो 240 तक के लेवल्स पॉसिबल है, तो यहां पर भी बने रहने की सलाह रहेगी 162 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स में अपनी पोजीशन आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस मानस से सजेस्ट किए हैं उनको लगाइए। सचिन है हमारे साथ महाराष्ट्र से। सचिन नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम, मेरे पास अभी पराग मिल के 200 शेयर है, 112 से लिए है, तो अभी कितना दिन होल्ड करना पड़ेगा? ठीक है मानस, 112 की खरीदारी है, 110 पर बंद हुआ है, तो स्टॉक थोड़ा नीचे, अब कितने दिन होल्ड करना पड़ेगा का मतलब ये शायद थोड़ा प्रॉफिट्स चाहते हैं, शायद इसीलिए जानना चाहते हैं, मतलब होराइजन को इनका क्लियर नहीं है, आपका सजेशन क्या होगा? देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पराग मिल्स में बने रहें, क्योंकि अगर आप देखिए तो 80 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और एक हर्डल इसलिए दिखने लगा है क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसोलिडेशन के बाद 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा और 135 के स्तर आने वाले करीब 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं, तो पराग मिल्स में बने रहे और 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो रखिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल, 110 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। कृष्णा काबरा है हमारे साथ अहमदाबाद से। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मेरे पास एशियन ग्रैंडो के 100 शेयर लिए हुए हैं 306 रुपए के भाव से, उसका कैसा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट? एशियन ग्रैनेटो 306 की आपकी बाइंग है, राइट? जी हाँ। मानस 292 पर ये ट्रेड कर रहा है एशियन ग्रैनेटो का स्टॉक, और इनकी खरीदारी ऊपर की है 306 के आसपास की, क्या सजेशन रहेगा, क्या करेंगे? देखिए पैटर्न को समझिए, मेरे ख्याल से कुछ मंथ पहले ही स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है, जब स्टॉक ने 270-75 के लेवल्स को ब्रेक किया था, हालांकि पिछले करीब एक मंथ से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट वो पूरा कंसोलिडेशन जस्टिफाइड है क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, बने रहना चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 350-360 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी और 260 के स्टॉप लॉस रखें। 260 का एक स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को एशियन ग्रैनेटो, यही सजेशन है। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्ण स्वरूप हैं और जयपुर से हैं ये। कृष्ण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट व्हाट्सएप के जरिए, माफ कीजिए, फोन लाइन पर नहीं है बल्कि व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल भेजा है। क्विक हील पर इनका सवाल है, 300 शेयर्स 135 की प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो मानस बताइए क्विक हील क्या सजेशन रहेगा, 135 की इनकी बाइंग है, क्या करें भी? दीपाली देखिए रिसेंटली कुछ करेक्शन हमें क्विक हील में देखने को मिला है, बट लोअर लेवल पे देखिए
तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 134 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 180-185 तक के लेवल्स आने वाले दो महीने में जरूर देखने को मिलेंगे कुटिल में। ठीक है, तो प्रॉफिट्स में हैं आप, लेकिन अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। शुभम है हमारे साथ फोन लाइन पर नासिक से। शुभम गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मैं शुभम थोरस बोल रहा हूँ लासलगांव से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीएनबीसी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके एडवाइस पर मैंने अशोक लेलैंड के 100 शेयर लेके रखे 73.55 पर, और आईटीसी के भी 100 शेयर लेके रखे 187.90 के ऊपर। तो क्या है अगला व्यू शॉर्ट टर्म के लिए मेरा रख सकता हूँ मैं? मानस अशोक लेलैंड में अच्छे प्रॉफिट्स इनको हो रहे हैं, 91 पर क्लोजिंग हुई है, 17-18 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, और दूसरा आईटीसी 186 शायद इन्होंने बताया वहां पर इनकी बाइंग है। तो क्या सजेशन है दोनों स्टॉक्स में? देखिए अशोक लेलैंड में तो मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद हमें लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 110-115 के लेवल तक। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, 79 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आईटीसी में भी देखिए, हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आईटीसी में कोई बाउंस बैक देखने को मिले, कोई रैली देखने को मिले, और शायद ऐसा लग रहा है कि वो रैली अब शुरू हुई है। केवल एक हर्डल है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 192-193 की रेंज में है। एक बार वो ब्रेक हो जाएगा तो शायद हमें 210-215 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आईटीसी में भी बने रहने की सलाह रहेगी, 175। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स, स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से सजेशन आप बना सकते हैं। जयदीप है हमारे साथ राजकोट गुजरात से। जयदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ, मेरे पास M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 30 सेल्स, तो कहाँ तक ले जाना चाहिए उसको? 614 का है। हेलो मानस, 614 की बाएंगे, 705 पर पहुंच चुका है ये स्टॉक, अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, क्या करें? देखिए ऑटो क्षेत्र में अगर कोई एक स्टॉक में अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाने जैसा है तो वो M&M है। उसका रीजन मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके टारगेट बहुत बड़े आते हैं, जिसके टारगेट करीब 820 से लेकर 850 तक की रेंज में आते हैं। तो अगर थोड़ा समय हो, अगर 2-3 मंथ का समय हो, तो M&M में बिल्कुल बने रहा जा सकता है। लोअर लेवल पे 650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 649 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 649 के स्टॉप लॉस के साथ। नितिन है भावनगर गुजरात से बातचीत करने के लिए। नितिन जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी हमने धनलक्ष्मी बैंक के लिए पूछना था, 200 शेयर हमने लिया था 38 के भाव से, मीडियम टर्म के लिए, तो क्या करना है? मानस, हालांकि आज धनलक्ष्मी बैंक चला है, लेकिन अल्टीमेटली तो लॉस ही इसने दिया है इन्वेस्टर्स को, और इनकी खरीदारी 38 रुपए की है, तो नुकसान काफी है, क्या करें? देखिए मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि धनलक्ष्मी बैंक में जब भी मौका मिले तो निकल जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना क्लियर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काफी बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी रैली दी है। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करिए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो बेटर आइडिया तो यह है कि धनलक्ष्मी बैंक से कभी भी बाउंस बैक मिले तो वहां से निकले, और प्राइवेट बैंकिंग नेम्स जो मैंने आपको पहले बताया, HDFC बैंक, स्पेशली HDFC बैंक, वो बहुत बेहतरीन लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो धनलक्ष्मी बैंक से निकल जाए और HDFC बैंक में पोजीशन बनाए। ठीक है, तो धनलक्ष्मी बैंक से निकलने की सलाह है, और उसकी जगह कोई बेहतर बैंक चुनिए ताकि आपके इस नुकसान की भरपाई हो सके। अमित त्रिवेदी ने एक सवाल हमें भेजा है SMS के जरिए, दीपक फर्टिलाइजर्स पर इनका सवाल है। इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, और जिनका परचेजिंग प्राइस है मानस 160 रुपीज का है, और स्टॉक 140 पर बंद हुआ है, तो इनके भाव से भी 20 रुपए नीचे है, क्या करें? देखिए चार्ट्स पे जो चार्ट्स हैं वो बेहतर तो नहीं लगते हैं, पॉजिटिव नहीं लगते हैं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि बने रहे, क्योंकि इन्होंने करीब 20 रुपए का रिस्क ऑलरेडी ले चुके हैं, लॉस में हैं। और अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो दीपक फर्टिलाइजर्स में 130 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 129 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे पहले एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और 160-70 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और तब वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें।
ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, मोमेंटम यहाँ पर दिख सकता है आपका भाव और उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो होल्ड कीजिए। चलिए, ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, और इसका मकसद है निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम केवाईसी से जुड़ी एक बेहद अहम इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। केवाईसी के कॉलम को कभी भी खाली नहीं छोड़िए, केवाईसी भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दें। केवाईसी में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा होता है, तो इसीलिए जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। ना सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को चुनना बल्कि डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई इन छोटी छोटी बातों का भी खास ख्याल रखना, जिसमें केवाईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मानस, आपके कमेंट्स। देखिए, केवाईसी फॉर्म में जो हम लोग रिक्त स्थान छोड़ देते हैं वो उतना ही डेंजरस है जितना कि आप प्लेन पेपर पे अपने साइन कर दें। तो बहुत ध्यान रखिए, कभी भी आप जब भी केवाईसी फॉर्म देखिए तो उसको पूरा पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी आपको आंसर देने हैं, वो सारे स्थान फिल करिए। जी, चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का पता। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हैं हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फेसबुक के जरिए ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, तो वहां से कुछ पिक करते हैं। विद्या ने एक सवाल हमें भेजा एमएनएम फाइनेंशियल पर, 1000 शेयर्स है, 134 परचेजिंग प्राइस है, बताइए मानस। बिल्कुल बने रहना चाहिए, लोअर लेवल पे 149 का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की तरफ 165 से लेकर 172 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगला सवाल हमें भेजा है संतोष कुमार ने, इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस 204 के प्राइस पर 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे, जानना चाहते हैं क्या करें। बने रहना चाहिए, देखिए 100 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखने लगा है, तो 170 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे, ऊपर की तरफ देखिए तो एक हैंडल है 185 का, अगर वो ब्रेक होंगे तो शायद 210 तक के स्तर देखने को मिलेंगे।
दत्ता प्रसाद पवार ने एक सवाल भेजा है अदानी ग्रीन्स पर, 420 के प्राइस पर 100 क्वांटिटी है इनके पास और व्यू इनका एक साल का है मानस। देखिए बहुत बेहतरीन रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं और अभी भी चार्ट्स पे तो बेहतर लगता है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस को रिव्यू करें और वो ऊपर की तरफ रिवाइज करें। तो अब इनको स्टॉप लॉस रखना है करीब करीब 1050 का, हालांकि शॉर्ट टर्म टारगेट आते हैं 1250 से 1275 के बीच में। सचिन चौहान ने सवाल भेजा है एनटीपीसी पर, 86 के प्राइस पर 1000 शेयर्स हैं। देखिए आज ही ब्रेकआउट देखने को मिला है, 91 के स्टॉप लॉस से बने रहा जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि 98-99 के लेवल्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। फयाज अहमद ने टाटा स्टील पर सवाल भेजा है 386 के प्राइस पर। देखिए मोस्ट ऑफ द जितने भी मेटल काउंटर्स है वो काफी बेहतरीन लगते हैं चार्ट पे और टाटा स्टील के जो टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट आते हैं वो 565 के आते हैं, तो यहां पर भी बने रहने की सलाह रहेगी, 524 का स्टॉप लॉस रखें। पवन सेठी ने सवाल भेजा है हिमाद्री केमिकल्स पर, 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 43 रुपीस का है, क्या करें? हिमाद्री केमिकल्स के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं दीपाली, तो नहीं व्यू दे पाऊंगा आपको। ठीक है दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। करण वत्स ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स 100 शेयर्स 575 का प्राइस। 575 के लेवल्स पे लिया है तब बने रहना चाहिए, थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है लेकिन लोअर लेवल पे 555 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। एक बार स्टॉक 575 के ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद हमें 600 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दीपक गुप्ता ने सवाल भेजा है आरबीएल बैंक पर, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 217.50 रुपए के प्राइस पर, जानना चाहते हैं वेट करें या फिर एग्जिट? बिल्कुल बने रहना चाहिए, लोअर लेवल पे देखिए तो 204 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 204 का स्टॉप लॉस रखे और ऊपर की तरफ करीब 230-235 तक के टारगेट पॉसिबल है। नीरव एक सवाल भेज रहे हैं बंधन बैंक पर, 150 शेयर्स बंधन बैंक के 186 के प्राइस पर, जाना चाहते हैं होल्ड करें या फिर निकल जाएं? बिल्कुल बने रहना चाहिए, देखिए हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियर दिख रहे हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 335 का स्टॉप लॉस रखें और 395 के टारगेट सेट करें। अजीत जायसवाल ने सवाल भेजा है अरबिंदो फार्मा पर, 877 यानी 877 के प्राइस पर हाँ इनकी पोजीशन है, क्वांटिटी नहीं मेंशन की है बट जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए ज्यादातर फार्मा स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑरो फार्मा ने शॉर्ट टर्म चार्ट से एक ब्रेकआउट दिया है और लोअर लेवल पे 815 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 900 के टारगेट सेट करके चलना है। प्रशांत बंकर ने एक सवाल भेजा है सोलापुर से, 1000 शेयर्स नेटको फार्मा के हैं, खरीदारी का प्राइस है 930 का, जानना चाहते हैं निकाल दें स्टॉक को या फिर अभी भी होल्ड रखें नेटको फार्मा? मैं नहीं देखो चार्जेस के दीपाली जी। ठीक है, नेटको फार्मा पर आगे सवाल ले लेंगे। एक क्विक कमेंट आपका आईआरसीटीसी पर मानस, अगर आप चार्ट देख सकते हैं तो आदित्य शर्मा ने भेजा है 100 शेयर्स है 1405 का परचेजिंग प्राइस है, नुकसान में है क्या करें? देखिए नुकसान में जरूर है लेकिन लोअर लेवल पे देखिए तो 1340 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो आईआरसीटीसी में बने रहा जा सकता है, कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1450 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दीपाली जी हिमाद्री केमिकल्स के बारे में बोलना चाहूंगा कि लोअर लेवल पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है आज, तो रिवर्सल के साइन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी, 37 का स्टॉप लॉस रखें। होल्ड कीजिए 37 के स्टॉप लॉस साथ हिमाद्री केमिकल्स, ये सजेशन है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल शो में, कोई डिस्क्लोजर माना साहब की ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात की है इसमें क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हो सकते हैं बट पर्सनल पोजीशन कोई भी नहीं है। शुक्रिया आपका कल का बाजार का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतने ही, खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।